एवरीवन, आज बात करते हैं कि एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जिसे रेस्पिरेशन ब्रीथिंग भी बोला जाता है। और दूसरी बात, एक मिनट में हम कितना जो एयर है वो एक बारी में, मतलब एक मिनट के अंदर कितनी बार इनहेल एक्सहेल करता है, तो उसमें कितना वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। तो बात करते हैं सबसे पहली बात कि हम कितना इनहेल करते हैं। तो अगर हम बात करें एक मिनट की, तो हम एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो ये वेरी करता है 12 से 16 में। अगर हम हेल्दी हैं, अगर हम नॉर्मल प्लेस पे रहते हैं, हमारे ब्लड में प्रॉपर RBCs का नंबर है, तो ये 12 से 16 रहेगा। मतलब हम एक मिनट के अंदर 12 से 16 बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। दूसरी बात होती है कि एक मिनट के अंदर हम 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसमें कितना ऑक्सीजन या कितना वॉल्यूम है जो इन्वॉल्व होता है। तो अगर बात करें, तो हम जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल छोड़ रहे हैं, अगर हम उस गैस को कंप्रेस करें तो वो 500 ml के इक्वल होता है। इसका मतलब एक सांस में, और जब उसे बाहर छोड़ रहे हैं तो 500 ml हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर 12 से 16 बार कर रहे हैं तो 12 × 500 करेंगे, 16 × 500 करते हैं, तो फिर 5.8 से 6 L बन जाता है वो। तो हम एक मिनट में 5.8 से 6 L गैस को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। थैंक यू।